हेलो प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे दर्शकों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा अधूरी क्यों है, आखिर इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है जो अब तक प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा अधूरी है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। प्यारे दर्शकों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सभी भक्तों के लिए खास है, जिसका पालन वे भाव के साथ करते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इस बार इस पवित्र यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई यानी कि परसों हो चुकी है। जब इस यात्रा में शुरुआत हो ही चुकी है तो यहाँ से जुड़ी कुछ रोचक बातों को जान लेते हैं जो यहाँ पर हमने आपको इस वीडियो में बताया है। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है जिससे आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। प्यारे दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे दर्शकों, जगन्नाथपुरी को सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि पुरी वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण का दीन धड़कता है। इसके पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। आपको बता दें कि यह धाम भगवान विष्णु के रूप जगन्नाथ प्रभु को समर्पित है। उनके साथ इस स्थान पर उनके भाई बहन सुभद्रा और बलराम भी निवास करते हैं। जी हाँ दर्शकों, ऐसी मान्यता है कि इस दिव्य स्थान पर भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में जब भगवान जगन्नाथ की यह यात्रा शुरू होने जा रही है तो यहाँ से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण विषयों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। इस स्थान को साक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेक पुराणों के अनुसार पुरी में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी और नील माधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए। भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहते हैं कि यहाँ बाकी के 3 धाम जाने के बाद अंत में जाना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस स्थान को, जैसा कि हमने अभी बताया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, साक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेकों पुराणों के अनुसार पुरी में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, नील माधव के रूप में अवतरित हुई हुए। उड़ीसा स्थित यह धाम भी द्वारका की तरह ही समुद्र तट पर स्थित है। जगत के नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं कास्ट की बनी हुई। जी हाँ, हर 12 वर्ष बाद इन मूर्तियों को बदले जाने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बनाकर फिर से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप है, श्री हरि नरसिंह सामदेव स्वरूप है, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है और सुदर्शन चक्र अथर्वेद का स्वरूप माना गया है। यहाँ श्री हरि दारुमय रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित हैं। चारों प्रवेश द्वारों पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की सदैव रक्षा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ धाम में आज भी भगवान कृष्ण का दिल धड़कता है। जी हाँ दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि जब मुरलीधर ने अपने शरीर का त्याग किया था तब पांडवों द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया। शरीर के जलने के पश्चात भी कान्हा का हृदय नहीं जला, जिस कारण पांडवों ने उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जल में प्रवाहित हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था,
जिसकी जानकारी श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा इंद्रयुम्न को दी। इसके बाद राजा ने लट्ठे से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को बनाने का निर्माण कार्य विश्वकर्मा जी को सौंपा था। आपको बताते चले कि प्रतिमा को बनाने से पूर्व राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी थी, जहां वे मूर्तियों का निर्माण कार्य करेंगे वहां कोई भी नहीं आएगा, यदि कोई अंदर आता है तो वे मूर्तियों को बनाने का कार्य बंद कर देंगे। भगवान विश्वकर्मा की बात राजा ने तुरंत मान ली, क्योंकि वे उसे बनवाने के लिए बहुत उत्साहित और भावुक थे। इसके पश्चात विश्वकर्मा जी उन मूर्तियों को बनाने के कार्य में लग गए। वहीं उनके इस दिव्य कार्य की आवाज दरवाजे के बाहर तक आती, जिसे राजा रोजाना सुनकर संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से आवाजें आना बंद हो गई, जिस कारण राजा इंद्रद्युम्न सोच में पड़ गए और उन्हें ये लगा कि मूर्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस गलतफहमी में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शर्त अनुसार दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा भगवान वहां से ओझल हो गए, जबकि प्रतिमाएं तैयार नहीं हुई थी। लोगों को ऐसा मानना है कि तभी से ये मूर्तियां अधूरी है और इन तीनों मूर्तियों के हाथ पैर पंजे नहीं होते हैं। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको आज पता लगा कि भगवान जगन्नाथ जो पुरी में स्थित है, उनकी प्रतिमा आज तक अधूरी क्यों है। सिर्फ उनकी ही नहीं, बलभद्र और सुभद्रा जी की भी प्रतिमा अधूरी है। उसका बस यही कारण था जो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। तो प्यारे दर्शकों, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्यारे दर्शकों, आपको आज का यह जानकारी कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। जी हाँ दर्शकों, आपकी राय हमारे लिए काफी मायने रखती है, जिससे हमें पता चल सके कि आपको हमारा वीडियो सच में अच्छा लग रहा है। इसलिए प्लीज कमेंट जरूर करें और जय जगन्नाथ कमेंट में जरूर लिखें। प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यही सबसे मेन चीज होता है जिससे आप अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करके हम एक वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, तो डेली हम आपके लिए वीडियो ला सके इसके लिए हमें भी तरोताजगी की आवश्यकता होती है। और तरोताजगी किस में है, आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तभी तो हमें पता लगेगा कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तब हम जाकर आपके लिए हमेशा नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस लाते रहें। प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।